एंड्रॉइड फोन को कैसे रखें सुरक्षित, जानिए काम की टिप्स। आम टेक। नेटवर्क एक वक्त था जब कंप्यूटर और लैपटॉप को हैक करके पर्सनल डेटा चुराया जाता है। उस वक्त यह ठीक था क्योंकि काफी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते थे, ऐसे में हैकिंग का शिकार काफी कम लोग होते थे। लेकिन यह स्मार्टफोन का जमाना है। अब अगर आपका फोन हैक हुआ तो आपको काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज के इस वक्त में करीब 90% से भी ज्यादा फोन में एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कारण इसे हैक करना काफी आसान हो जाता है। होने वाले ऐसे हमले से कैसे बचा जाए, यही आज हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे। अगर आप अपनी फोन की सुरक्षितता को लेकर सावधान है तो यह इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। #1 थर्ड पार्टी ऐप। एंड्रॉइड के अलावा आज बाजार में ऐसे कई ऐप स्टोर हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे हैं जो इस स्टोर से एंड्रॉइड के ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से है जो थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दे ऐसी ऐप आपके फोन के लिए हानिकारक होती है। अक्सर थर्ड पार्टी ऐप के अंदर मोडेड फाइल्स होती है जिसके इस्तेमाल से हैकर्स आपके फोन का डेटा आसानी से चुरा सकते हैं। यही एक कारण है जिसके वजह से एप्पल के आईफोन में थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की सुविधा नहीं है। ऐसे अटैक से बचने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप थर्ड पार्टी ऐप ना इंस्टॉल करें, साथ में ही अपने फोन के अननोन सोर्स को कभी ऑन ना करें। #2 स्पैम लिंक। व्हाट्सएप और फेसबुक के इस जमाने में लिंक के जरिए काफी वायरस फैलाए जाते हैं। आपने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि कुछ ऐसी ऑफर वाली लिंक आपको आती है जो दिखने में काफी सच्ची लगती है, आप ना चाहते हुए भी ऐसे पेज पर चले जाते हैं। ऐसे पेज पर जाने के बाद एक तो आपको लूटा जाता है, नहीं तो आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है जिसके इस्तेमाल से आपको हैक करना हैकर्स के लिए आसान हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का तरीका काफी आसान है। ग्रुप में आने वाली इस लिंक को गौर से देखें। अक्सर ऐसी लिंक्स में गलत स्पेलिंग होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और फेसबुक। यह पढ़ने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ शब्द गलत होते हैं। ऐसी लिंक्स आगे से दिखे तो उन पर क्लिक ना करें। #3 फोन रूटर। कंपनी के तरफ से आने वाले एंड्रॉइड फोन लॉक्ड होते हैं। साधारण भाषा में समझाए तो कंपनी जो आपको फोन देती है उस फोन को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसकी एंड्रॉइड सिस्टम को लॉक करके देती है, ताकि आप थर्ड पार्टी ऐप और वायरस से बच पाए। कई लोग इस लॉक को हटाने के लिए फोन को रूट करते हैं, फोन को रूट करके थर्ड पार्टी रोम डालते हैं। इन थर्ड पार्टी रोम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन को सिर्फ कुछ मिनटों में हैक किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने फोन को रूट करके उसमें रोम का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप कोई डेवलपर या फिर कोई प्रोग्रामर है तो टेस्टिंग के तौर पर आप यह कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान को ऐसा करने की हम सलाह नहीं देते हैं। ऊपर बताई कुछ टिप्स के अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने फोन में कोई न कोई एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कर ले। एंटीवायरस आपके फोन को ज्यादा सिक्योर रखने में मदद करता है। किस्पर्स की अवास्ट
360 टोटल सिक्योरिटी और K7 मोबाइल सिक्योरिटी जैसे एंटीवायरस आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यह ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन स्पैम लिंक्स, ब्राउज़र प्रोटेक्शन और एंटी थेफ्ट जैसी कुछ सुविधाएं आपके काम आ सकती है। खैर, फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली पोस्ट में हम ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो हमें फॉलो करना ना भूलें। यदि आपको अपने फोन संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। इस पोस्ट को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।